नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसिल के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोसिल जो है वो क्या होता है? तो हाइड्रोसिल साफ द्रव से भरी एक थैली होती है जो कि पुरुषों के एक या दोनों अंडकोश के आसपास बन जाती है। हाइड्रोसिल शिशुओं में होना एक आम बात है और कभी कभी यह इलाज के बिना ही ठीक हो जाती है। बड़े बच्चों और वयस्क पुरुष में अंडकोश में इन्फ्लेमेशन या चोट के कारण हाइड्रोसिल की समस्या विकसित हो सकती है। हालांकि ज्यादातर हाइड्रोसिल बिना किसी स्पष्ट कारण के बन जाते हैं। हाइड्रोसिल में न तो दर्द होता है और ना ही ये हानिकारक होती है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि इस समस्या में किसी भी उपचार की जरूरत न पड़े। हालांकि अगर आपको हाइड्रोसिल की वजह से अंडकोश में सूजन हो गई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है और बहुत ही कम मामलों में ये अंडकोश कैंसर का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हाइड्रोसिल के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोसिल के मुख्य रूप से दो उप प्रकार होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। तो दोस्तों, इसमें अंडकोश की थैली पूरी तरह से बंद नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से तरल पदार्थ अंडकोश की थैली के अंदर चला जाता है। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। तो इसमें जो है शिशु में नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल जन्म से ही हो सकता है और आमतौर पर यह एक वर्ष के भीतर अपने आप ही ठीक हो जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में बड़े बच्चे में नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल इन्फेक्शन, वृषण में मरोड़ यानी कि टेस्टिस में मरोड़ या फिर ट्यूमर जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है, और ऐसे में इसके निदान के लिए बच्चों के डॉक्टर से आपको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हाइड्रोसिल के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोसिल के सबसे आम लक्षणों की बात करें तो अंडकोश में सूजन हो सकती है और इस सूजन में दर्द नहीं होता है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल का बड़ा या छोटा होते रहना, रात के समय जब आप लेटे होते हैं तब ये छोटी हो जाती है, जबकि अधिक सक्रिय समय में इसका आकार बढ़ जाता है। और बात की जाए कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें कि आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर वृषण यानी कि टेस्टिस के आसपास सूजन काफ़ी समय तक बनी रहे, यदि आपको अचानक अंडकोश में गंभीर दर्द या सूजन हो तो इसका तत्काल उपचार कराएं। विशेष रूप से अगर दर्द या सूजन अंडकोश में चोट लगने के कुछ घंटों के भीतर हो तो उपचार करवाना ज़रूरी होता है। यदि सूजन काफ़ी बढ़ गई हो, यदि सूजन के साथ दर्द हो या आसपास की त्वचा लाल पड़ रही हो, साथ ही साथ रान यानी कि जांग और जननांग को जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है जिसे कि हम रान कहते हैं, वो रान या फिर अंडकोश की थैली में उभार हो, साथ ही साथ हाइड्रोसिल के आकार में लगातार परिवर्तन होता रहे यानी कि कभी छोटी तो कभी बड़ी हो रही हो, साथ ही साथ वृषण यानी कि टेस्टिस में दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कुछ स्थितियों में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाइड्रोसिल क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, हाइड्रोसिल की समस्या से परेशान बच्चों में इसके जोखिम कारक, जैसे कि अधिकांश बच्चों में जो हाइड्रोसिल की परेशानी होती है वो जन्म के समय से ही होती है, और समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में हाइड्रोसिल होने का खतरा अधिक होता है। जीवन के अन्य पड़ावों में हाइड्रोसिल होने में कुछ जोखिम कारकों को शामिल किया जाता है। जैसे कि कुछ आम कारणों की बात करें तो अंडकोश में चोट या सूजन होना, यौन संचारित इन्फेक्शन और उससे जुड़े कुछ अन्य इन्फेक्शन होना, और बहुत ही कम मामलों में विकिरण चिकित्सा जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करने के लिए प्रभावशाली किरणों का इस्तेमाल किया जाना, उससे भी हाइड्रोसिल विकसित होने के जोखिम जो है वो बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अंडकोश का अगर कैंसर है तो उससे भी हाइड्रोसिल हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाइड्रोसिल से आप कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे बचाव किया जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर हाइड्रोसिल होने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिनसे कि अंडकोश पर चोट ना लगे। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट वगैरह जैसे खेल खेलते समय कुछ सुरक्षात्मक गियर जैसे कि कप वगैरह ज़रूर पहने। ऐसा करने से आप हाइड्रोसिल होने की संभावना को कम कर सकते हैं। और उसके बाद बात की जाए कि हाइड्रोसिल का परीक्षण या निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें डॉक्टर जो है वो आपके शारीरिक परीक्षण से जांच को शुरू करते हैं, जिसमें कि बढ़े हुए अंडकोश की जांच करना, और इस जांच में डॉक्टर ये परखने की कोशिश करेंगे कि आपको उसमें दर्द है कि नहीं। साथ ही साथ पेट और अंडकोश पर हल्का दबाव डालना, ये देखने के लिए कि कहीं इंग्विनल हर्निया तो नहीं है। साथ ही साथ अंडकोश को तेज प्रकाश में देखना। यदि आपको हाइड्रोसिल होगी तो इस दौरान वृषण यानी कि टेस्टिस के चारों ओर तरल पदार्थ साफ तौर पर दिखाई देगा। और इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ अन्य जांच कराने की भी सलाह दे सकते हैं, जैसे कि
रक्त और मूत्र परीक्षण, और इससे यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि एपिडिडाइमिटिस। और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो हर्निया, अंडकोश में ट्यूमर और सूजन के अन्य कारणों की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाइड्रोसिल का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि बच्चों में हाइड्रोसिल का इलाज कैसे होता है। तो आमतौर पर शिशु को हुई एक छोटी हाइड्रोसिल बच्चे के पहले जन्मदिन तक ठीक हो जाती है। इसके ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर सुझाव देते हैं कि आप इस हाइड्रोसिल पर नज़र रखें और अपने बच्चे का कुछ महीनों के अंतराल पर नियमित रूप से चेकअप करवाते रहें। हाइड्रोसिल में मौजूद द्रव जो है वो थैली से खुद ब खुद अवशोषित हो जाने पर यह समस्या ठीक हो जाती है। अगर हाइड्रोसिल 12 से 18 महीनों तक बनी रहे तो सामान्यतः यह कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होता है, और यदि हाइड्रोसिल 6 से 12 महीनों के बाद भी ठीक नहीं होता है तो इस स्थिति में गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए ऑपरेशन कराने तक की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल को ठीक करने के लिए सर्जरी एक सरल प्रक्रिया होती है, और इस सर्जरी में एक छोटा सा कट लगाकर अंडकोश में जमे तरल को बाहर कर दिया जाता है और फिर इस छेद को बंद कर दिया जाता है। और बच्चों में कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल का मामला ज़्यादातर हर्निया से जुड़ा हुआ होता है। अगर हर्निया हो तो उसे भी सर्जरी के समय ठीक कर दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चे सर्जरी के अगले दिन ठीक महसूस करते हैं। सर्जरी के 4 हफ्ते बाद तक माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन की गई जगह पर बच्चे को बिल्कुल भी चोट न लगे, और सर्जरी वाली जगह पर हल्की सूजन होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे को बुखार, अत्यधिक सूजन, ब्लीडिंग और दर्द हो रहा हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें। बात की जाए कि वयस्कों में हाइड्रोसिल का इलाज कैसे होता है, तो दोस्तों वयस्कों में हाइड्रोसिल की समस्या को कुछ तरीकों से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर जो है वो मरीज को सांत्वना देते हैं कि यह एक बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उपचार के तौर पर मरीज को अंडकोश को सपोर्ट करने के लिए कुछ पहनने की ज़रूरत होती है, और यह एक टाइट अंडरवियर भी हो सकता है या फिर एक एथलेटिक सपोर्टर जो कि खिलाड़ी आमतौर से पहनते हैं वो भी हो सकता है। अंडकोश से तरल पदार्थ को सुई या सिरिंज से बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद पुनः हाइड्रोसिल वापस हो जाती है। और ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन द्वारा एक छोटा सा कट लगाकर तरल पदार्थ को निकाल दिया जाता है और इस कट को बंद करके इस समस्या को ठीक किया जाता है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन लगभग हमेशा से ही इस समस्या को ठीक करने में कामयाब रहती है, और आपके सर्जन हाइड्रोसिल सर्जरी की तब सलाह देते हैं जब आपके हाइड्रोसिल की स्थिति कुछ तरह की हो गई हो, जैसे कि हाइड्रोसिल बहुत बड़ी हो गई हो, हाइड्रोसिल संक्रमित हो गई हो, इसमें बहुत दर्द होने लगे या तकलीफ का कारण बनाने लगी हो, या फिर हाइड्रोसिल के साथ साथ हर्निया की भी समस्या हो, तो ऐसे में जो सर्जन है वो हाइड्रोसिल की सर्जरी की सलाह देते हैं। साथ ही साथ सर्जरी से संबंधित कुछ जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक खून निकलना, इन्फेक्शन होना, खून का थक्का जमना और हाइड्रोसिल दोबारा हो जाना। अधिकांश मामलों में हाइड्रोसिल शीघ्र ही ठीक हो जाती है। अधिकतर लोग इस सर्जरी के कुछ ही घंटों के बाद घर जा सकते हैं, लेकिन इस सर्जरी के बाद बच्चों को अपनी हर रोज की गतिविधियों को सीमित करना चाहिए और पहले कुछ दिनों में अतिरिक्त आराम करना चाहिए। सर्जरी के बाद ज़्यादातर मामलों में रोगी जो है वो 4 से 7 दिनों के बाद अपनी सामान्य ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।